नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। कोशिश करते हैं कि छोटे शहरों में टायर 2 टायर 3 सिटीज उनमें हम जाएं और वहां पे उन बच्चों के साथ काम कर सकें जो कि अधिकतर खुद से डांस या म्यूजिक का ट्यूशन लेना उनके लिए मुश्किल है, वो खुद से ऐसे अफोर्ड नहीं कर। चूरू में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चर नई दिल्ली ने बालक बालिकाओं और युवक युवतियों को कथक नृत्य और आधुनिक चित्रकला का प्रशिक्षण देने की 5 दिवसीय कार्यशाला कथारंग आयोजित हुई। कार्यशाला का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर मंजू शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मंजू शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं से देश की मूल संस्कृति का संवर्धन होता है और आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिलते हैं। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर सुरेंद्र सोनी ने बताया कि कार्यशाला में नृत्य का प्रशिक्षण कथक गुरु शिंजनी कुलकर्णी देंगी, जो देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। शिंजनी भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्यक पंडित बिरजू महाराज की दोहित्री है। उद्घाटन समारोह में शिंजनी की माता प्रोफेसर अनिता कुलकर्णी भी उपस्थित थी, जिनका सहयोग कुशल कलाकार गौरी दिव्यांशी और ललिता ने किया। कार्यशाला में चित्रकला का प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार प्रोफेसर संजीव गोगोई मौजूद रहे। आयोजन सचिव प्रोफेसर सरोज हरित के अनुसार कार्यशाला में लगभग 300 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण करवाने वाले प्रशिक्षणार्थियों में लोहिया महाविद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल हैं, जिनका नेतृत्व सोमेश जांगिर और शंकर कर रहे हैं। शिंजनी एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चर नई दिल्ली पेट्रोनेज एलएनजी लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से जानकारी देते हुए प्रोफेसर अनिता कुलकर्णी ने बताया, स्थानीय टाउन हॉल में एक समृद्ध चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी और कथक नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसका उद्घाटन राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे राजेंद्र राठौर करेंगे। मैं पंडित बिरजू महाराज जी की डिसाइपल भी हूँ और उनकी शिष्या भी और उनकी नातिन भी। आपके शहर चूरू में आई हूँ एक 5 दिवसीय कार्यशाला लेकर, जिसमें कि हम कथक नृत्य भी सिखाएंगे और साथ में पेंटिंग भी सिखाएंगे।